तो यूनिवर्सिटियों के अंदर ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, लीडिंग अप टू जिना, ये कितना कॉमन है? फर्स्ट पहला सवाल, मतलब इसमें ये कितना कॉमन है, एंड क्या ये ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये परसेप्शन आता है कि जैसे यूनिवर्सिटीज काइंड ऑफ जो एनवायरनमेंट बन गया है वो इस पूरी चीज को काइंड ऑफ फैसिलिटेट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज, सोशल गैदरिंग्स, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, यू नेम इट. आई मीन दे ट्राइंग टू प्रमोट काइंड ऑफ दिस फ्री मिक्सिंग, एंड जहां पे नेचुरल सी बात है, फायर एंड यानी आइस वाली बात है, दोनों को आपने साथ बीच में डाल दी है, तो इट्स गोइंग टू कॉज सम स्पार्क्स, राइट? सो पहले आप जरा बताएं इसमें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन जो कि भी हुई है यहां पे. अभी सबसे पहले तो एंटायर सोचना जितना इसको कंडेम किया जाए उतना कम है, लेकिन अगर इसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट इट एंड वी कैन नॉट जस्ट ब्रश इट अंडर द कारपेट. और इसकी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि आशीष भाई को भी पता है, आपको भी पता है, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं इस वक्त, कि इस वक्त मैं अगर सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासेस के अंदर डिवाइड करना शुरू करूँ ना कि कितने लोग हैं जो इस चीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, जो रिलेशनशिप्स के अंदर मुलव्वस हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स के कौन फिजिकल हुए हैं कौन नहीं हुए. जैसे अट्रैक्शन की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें, जो रिलेशनशिप्स में हैं, मतलब बात कर रहे हैं और मैसेजिंग चल रही है, प्राइवेटली मिल रहे हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो मैं इजीली कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी की तकरीबन 30-40% आवाम जो है ना, कंजर्वेटिवली स्पीकिंग, ये इसके अंदर इन्वॉल्व है. और अफसोस की बात सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं तो जो बकाया लोग हैं वो इसको बुरा समझते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो बकाया लोग हैं ना, ये सारे हैव नॉट्स हैं. ये सारे ये नहीं सोचते, इंस्पायर करते हैं एग्जैक्टली, ये सोचते हैं कि जी हमने उनके जैसा बनना है. यार कोई लड़के को देखेंगे रिलेशनशिप में, यार यार तुम्हारे तो मजे हैं यार, तुम तो बड़े प्ले बॉय हो, ठीक है, और तुम तो बड़े स्टड हो, या इस तरह की बातें, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग द एक्ट और उसको अंडरमाइन करें, उनको समझाएं, हम सब के सब जो है वो इस चीज के ऊपर कोशिश करते हैं, काश हम भी यहाँ तक पहुंच जाए, हसरत की निगाह से देखते हैं. और अफसोस की बात है कि सिर्फ स्टूडेंट्स की बात महदूद नहीं है, टीचर्स भी इस चीज के अंदर पूरे पूरे मुलव्वस हैं. ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट टीचर्स नो अबाउट दोज रिलेशनशिप्स एंड दे फैसिलिटेट इट, दे मेक फन ऑफ इट, ठीक है, और उस चीज को ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि बहुत छोटी सी बात है, नाक में मक्खी बैठी हुई उड़ा दी. तो ये सारी जो माहौल है, और अफसोस की बात अब अगेन ये भी है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे ड्रेस कोड्स के ऊपर तो बात होती है लड़कों के, कि जी आप नीचे जो है ना वो पजामा नहीं पहन के आ सकते, आप टखनों से नीचे शॉर्ट्स नहीं पहन के आ सकते, हालांकि उसमें नमाज हो जाती है, अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं आप, लेकिन आप हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते, सुभान अल्लाह, वो बड़ा उसमें तकलीफ होती है. लेकिन जब आप क्लोथिंग की बात करते हैं खवातीन की, तो वो सब कुछ ठीक है, लिटरली एवरीथिंग इज अलाउड. आप हमें